हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद मोसिना। फ्रेंड्स, आज हम टेंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हमें इन वैल्यू को रटने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आज हम आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में टेंथ क्लास में एग्ज़ाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आज हम आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल दी हुई है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें किस किस की वैल्यू निकालनी होती है। ज़ीरो की, 30 की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमें वैल्यू निकालनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि साइन, सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू देखते हैं। हम साइन ए की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हैं, एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि हमें साइन ज़ीरो की वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज़ीरो लिख लेते हैं, फिर ज़ीरो से हम आधा बढ़ाते हैं। जैसे कि ज़ीरो से आधा 1/2 हो जाएगा, फिर 2 का, तो यह हमारी साइन 30 की वैल्यू हो जाती है। तो 2 के ऊपर हमें सिर्फ रूट लगा देना है, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से ये √2 रूट ऊपर चला जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी और फिर 1 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। फ्रेंड्स, बस हमको इसमें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, मतलब कि आधा बढ़ जाते हैं। साइन 45 क्या होता है कि इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, सिर्फ इसके ऊपर रूट चढ़ के 1/√2 हो जाता है साइन 45 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये वाला रूट ऊपर चले जाएगा, √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको इसमें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। लेकिन कोस ए इसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि कोस ए की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 90 की वैल्यू है वही साइन 0 की वैल्यू होगी। जैसे कि साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो साइन 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2। जो हमारी 90 की वैल्यू है वो हमारी कोस 0 की वैल्यू होगी, जो 60 की है वो कोस 30 की होगी। इसी तरीके से जो हमारी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कोस 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 होगी। उसी तरीके से जो हमारी साइन 30 की वैल्यू है वो हमारी कोस 60 की होगी, और जो साइन 0 की है वो हमारी कोस 90 की होगी। फ्रेंड्स, जो हमारी साइन की वैल्यू होती हैं वो कोस के जस्ट अपोजिट होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेन ए की वैल्यू। टेन ए की वैल्यू बहुत ही आसान है, जैसे कि हमारे पास ये है साइन ए अपॉन कोस ए को हमें डिवाइड करना है, तो साइन 0, जैसे कि 0/1, 0 में हम 1 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो हमारी टेन 0 की वैल्यू 0 होगी। उसी तरीके से हम, अगर हमें टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/2 और 3/2 को डिवाइड देंगे, 1/2 डिवाइड 3/√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3। तो फ्रेंड्स, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बचेगा। उसके बाद हमारे पास 1/√2 है, 1/√2 है, तो 1/√2 से 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद √3/2 है, 1/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा। अगर अब इसे देखते हैं 1/0, जैसे कि 1/0, हमें पता है अगर हम 1 में 0 का डिवाइड करें, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, या यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे कि हमारी साइन ए की वैल्यू हमने निकाल के कोस ए की बहुत आसान तरीके से निकाल ली थी, उसी तरीके से हम टेन ए की निकाल के हम कॉट ए की बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है। जैसे कि हमारे पास साइन 90 कॉट ए की वैल्यू देखने के लिए हमारे पास क्या है कि जो टेन 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, वो कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी। जो 60 की है वो इसकी 30 की हो जाएगी। जो 45 की है 1 है, तो 1 ही रहेगी। जो 30 की है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगी। जो हमारी 0 है वो यहाँ आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम सेक ए की वैल्यू देखते हैं। सेक ए की वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना होता है,
कोस ए का ये अपोजिट उल्टा होता है बिल्कुल, जैसे कि वन का उल्टा वन होता है, वन लिख लिया। रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री, तो ये लिख लेंगे। वन अपॉन रूट टू तो क्या हो जाएगा, रूट टू अपॉन वन, तो वन नीचे लिखो या नहीं लिखो, वन अपॉन रूट टू मतलब कि रूट टू हो जाएगा। वन अपॉन टू का उल्टा टू हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन टू है, उसको टू को ऊपर ले जाएंगे तो टू बचेगा। उसके बाद जीरो का उल्टा इन्फिनिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद कोसेक की वैल्यू देखते हैं। कोसेक की वैल्यू सेक की उल्टी होती है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद यहाँ पे टू आ गया, रूट पैंतालीस की रूट टू हो गई, यहाँ पे भी रूट टू हो गई। उसके बाद सेक की वैल्यू जो हमारी तीस की है वो कोसेक की रूट टू रूट थ्री हो जाएगी, उसके बाद 90 की वन हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 60 और कोस 30, तो हमें देखना है साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारी। साइन 60 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू है, तो रूट थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू हमें पता है कि उसकी उल्टी हो जाएगी जरा जस्ट, तो कोस 30 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू प्लस साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है वन अपॉन टू, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन अपॉन टू। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। थ्री रूट थ्री में रूट थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री अपॉन टू टू जो फोर, क्योंकि रूट थ्री है तो थ्री आ जाएगा, प्लस थ्री में थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हो गया, टू टू जो फोर, क्योंकि जब हम रूट थ्री की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा। ऐसी वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, तो वन अपॉन फोर, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर अपॉन फोर इक्वल टू वन, फोर से फोर कट गया वन आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं टू मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर पैंतालीस, टेन पैंतालीस की वैल्यू देखते हैं। टेन पैंतालीस की वैल्यू होती है हमारी वन, टेन पैंतालीस की वैल्यू कितनी है हमारी वन, तो हम वन का स्क्वायर करेंगे क्योंकि टेन स्क्वायर है, प्लस हमें पता है कॉस तीस की वैल्यू कितनी होती है हमारी, रूट थ्री अपॉन टू, हमने ऊपर भी लिखा हुआ है कॉस तीस की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। माइनस साइन साइड की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री अपॉन टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, वन की पावर टू है तो वन ही आ जाएगा, तो टू हो गया प्लस। अब हम इसको देखते हैं कि ये वाला रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा टू का स्क्वायर है वो फोर हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर माइनस, इसी तरीके से ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, पर नीचे जो हमारा टू है तो इसकी पावर तो टू ही रहेगी ना, तो फोर हो गया। उसके बाद ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो टू हो गया इसका आंसर, इसका आंसर टू आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।